हेलो एवरीवन, कुकिंग तड़का विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मार्केट में मिलने वाले जो पैकेट वाले थेपले होते हैं, सॉफ्ट और टेस्टी, बिल्कुल उन्हीं की तरह आप घर पे बना सकते हैं। सॉफ्ट थेपले और लॉन्ग टाइम स्टोर करने वाले, इसे हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। थेपले बनाने के लिए सबसे पहले हमें ताज़ा मेथी ले लेना है। हमने इसे 3 से 4 बार अच्छे पानी से धो के तोड़ के ले लिया है, देख सकते हैं आप। इस तरह से हमें लेना है। अब हमें सबसे पहले इन्हें बारीक कट कर लेना है। मैं यहाँ पे इसे बारीक चॉप कर लेती हूँ। आपको इसको एकदम बारीक कट करना है, देखिए इस तरह से। मैं यहाँ पे सारे मेथी को बारीक चॉप कर लेती हूँ। नेक्स्ट हम डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक बर्तन में लेना है 1.5 कप गेहूं का आटा, और हमें लेना है 1/4 कप बेसन। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई मेथी जो हमने अभी कट करके तैयार किए थे। बस यहाँ पे मैं 1.5 कप डाल देती हूँ। साथ ही में डाल दे 1/4 कप दही, 1 चम्मच हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच डाली हूँ, 1/2 चम्मच अजवाइन, अजवाइन को क्रश करके डाले इस तरह से हाथों से, और इसमें हमें डाल देना है 2 चम्मच तेल। अब इन सबको अच्छे से हमें कोट करना है आटे में। हमें इसे अच्छे से मोइन देना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पे सॉफ्ट डो तैयार कर लेती हूँ। ये थोड़ा स्टिकी होते हैं क्योंकि बेसन डाले हैं। जरूरत पड़े तो हाथों में ऑयल लगा के आप इसे गूंथ सकते हैं। हमने नरम डो तैयार कर लिए। अब इसे हमें ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। सबसे पहले हमें छोटा छोटा बॉल तोड़ के तैयार कर लेना है, ये नींबू का साइज का, देखिए। इसी तरह से हमें सारा बना के तैयार कर लेना है। मैं यहाँ पे सारा बना के रख लेती हूँ इस तरह से। अब इसे हमें रोल कर लेना है। सबसे पहले सूखे आटे में लोई को कोट करें और सरफेस पे डाल दें थोड़ा सा सूखा आटा, ताकि जब हम इसे बेलें तो ये नीचे से चिपकेंगे नहीं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लोई आप छोटी बनाएं और आप इसे बहुत ही सावधानी से पतला बेलें। थेपले जितने पतले होते हैं ये उतने ही टेस्टी लगते हैं, और क्योंकि हम इन्हें स्टोर करके रखते हैं तो ये लॉन्ग टाइम बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बने रहते हैं। इस तरह से ये मैंने थेपला बनाया है, बहुत ही पतला, देखिए। मैं आपको इसी तरह से एक और बना के दिखाती हूँ। इसे हमें प्लेट में रख देना है। लोई में बहुत सारा सूखा आटा लगा लीजिए, अगर आपका डो थोड़ा स्टिकी है तो। फिर इसे आप पतला बेल दें, सूखा आटा एब्जॉर्ब हो जाते हैं जब आप इसे बेलते हैं तो। देखिए इस तरह से हमें बेल के तैयार कर लेना है। इसी तरह से आप सारा थेपले बेल के तैयार कर लें। मैंने यहाँ पे सारे थेपले बना के तैयार कर लिए, देखिए। अब हम चलते हैं इन्हें सेकने के प्रोसेस में। इन्हें हमें गर्म तवा पे फटाफट सेक लेना है। हमने यहाँ पे तवा को गर्म कर लिया है अच्छे से। हमें इन्हें ज़्यादा दबा दबा के नहीं सेकना है, पराठा की तरह क्रिस्पी नहीं सेकना है। इन्हें आपको बहुत ही हल्के हाथों से चम्मच से प्रेस करते हुए जल्दी जल्दी से सेकना है। दोनों साइड तेल लगाते हुए इन्हें हमें हाई फ्लेम में गर्म तवा पे सेकना है। आप इन्हें एक साथ सारा बेल लीजिए, फिर इसे बाद में गर्म तवा पे जल्दी जल्दी सेक लीजिए दोनों साइड तेल लगाते हुए। इस तरह से सेकने से आसानी होती है।
बहुत ज़्यादा प्रेस करके नहीं सेकना है इन्हें हमें, वरना ये बहुत ज़्यादा स्टिफ हो सकते हैं जब आप इसे स्टोर करेंगे तो। इनकी सॉफ्टनेस इतनी ज़्यादा नहीं बनी रहेगी। हमने इसे सेक के तैयार कर लिया, इसे निकाल देते हैं एक प्लेट पर। इसी तरह से हम सारे थेपले को सेक के तैयार कर लेंगे। हमने सारे थेपले तैयार कर लिए सेक के। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने नरम बने हैं। देखिए ये बिल्कुल मार्केट की तरह नरम और बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप इसे लॉन्ग टाइम स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे ज़रूर से ट्राई करिए। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।